अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज हम बनाएंगे क्रिस्पी कॉर्न पकौड़े। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए, मैंने 250 ग्राम जितना मैंने कॉर्न लिया था, स्वीट कॉर्न, जिसको मैंने बॉईल करके ले लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1 कप जितना मैंने लिया है बेसन, 1 बड़ा साइज़ का मैंने प्याज लिया है, 1/2 कप जितना मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पर मैंने स्प्रिंग ऑनियन लिया है, अगर आपके पास में हरा धनिया है तो आप वो ले सकते हो, फ्रेश हरा धनिया आपने मुट्ठी भर लेना है, उससे जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आ जाएगा। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जितना लाल मिर्च का पाउडर लिया है, और मैंने 1/2 टेबल स्पून जितना धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून जितना मैंने साबुत सौंफ लिया है, मतलब फेनल शेड लिया हुआ है, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट जाएगा, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया हुआ है, और मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून जितना लिया है जीरा पाउडर। इन सबको अभी हमने मिक्स कर लेना है। ये सब हम इसमें मसाले थे वो हमने मिक्स कर दिए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कॉर्नफ्लावर, प्याज ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। हाँ। क्या करेंगे? अब इसको हम पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। हाँ। अभी हम बेसन ऐड करेंगे, और इसके साथ ही में हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी ऐड करेंगे, अराउंड 1/2 कप के जितना मैंने इसमें पानी ऐड किया है, स्प्रिंग ऑनियन भी, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एकदम। इसमें पूरा बनने में मुझे 1/2 ग्लास जितना पानी लगा है। इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, अभी हम जल्दी से इसके पकौड़े बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसको छोटे छोटे से ही बनाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे से ही बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसमें मैंने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ये सब नहीं डाला हुआ है, एकदम क्रिस्पी बनेंगे ये पकौड़े, बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ पर देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो गया है। इसको फ्राई होने में 5 से 7 मिनट लगा है। इसको एकदम आप फौरन निकाल दोगे 2-3 मिनट में ना, फिर ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। आपने है ना इसको अच्छे से 5 से 7 मिनट आपने इसको फ्राई करना है। आप है ना, एक आध जो है ना कॉर्न जो है ना ऐसे चटकने लगेंगे, जब चटकने लगे तब समझ जाइए कि एकदम क्रिस्पी ये बनकर रेडी हो गए, तभी आपने इसको निकालना है। तो अभी मैं इसको निकाल लूंगी, अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको हरी चटनी के साथ में, मीठी इमली की चटनी, खजूर इमली की चटनी के साथ में खा सकते हो। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।